वेलकम बैक स्टूडेंट। टुडे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, देन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हम कर चुके थे और आपको बता चुके थे। देन नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। मीन्स वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड ऑन विच व्हाट वी डू, हमें क्या करना है उसमें, हमें करना है कि उस पर हमें कुछ जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उनको क्या करना है, उसमें ड्रॉ करना है। देन रैशनल नंबर्स किसके फॉर्म में होते हैं, तो रैशनल नंबर होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शंस जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं फ्रैक्शंस जो होती हैं, टू टाइप की होती हैं फ्रैक्शंस, तो वो होती हैं दो टाइप की। फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। देन सीयर एक्सरसाइज 9.1 है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ, मीन्स फोर्थ वन। नाउ व्हाट इज हियर, हियर इज 3/4 एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। मीन्स वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आफ्टर दैट वी हैव टू शो द नंबर्स विच इज इन योर क्वेश्चन ऑन द नंबर लाइन। देन नाउ हियर 3/4 इट इज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। देन फ्रैक्शन आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो आपकी फ्रैक्शंस होती हैं वो क्या है, दो टाइप की होती हैं, पहली होती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी होती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या आएगा, देन आपका न्यूमिनेटर छोटा हो जाए हो है आपका डिनोमिनेटर से, देन ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर है। और हम इसको यदि देखें सॉल्व करके देखते हैं तो हमें अब इसमें क्या करना है, 0 to 1 पॉजिटिव वैल्यू जो शो करते हैं, आपका डिनोमिनेटर बड़ा है और आपका न्यूमिनेटर जो क्या वो छोटा है यहाँ पे, देन यदि ये वैल्यूज़ आपकी 0 to 1 के बीच में आ रही हैं, 0 to 1 के बीच में आ रही हैं, ये सब आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस के टाइप है। देन आपको करना क्या है, इसमें आपको नॉर्मली एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो हेयर वी आर ड्रॉइंग आ नंबर लाइन एंड हमको इसमें क्या करना है कि हमें 3/4 पार्ट बताना है कि नंबर लाइन में 3/4 कहाँ है। तो लेट हेयर 0, हमने माना कि यहाँ पर क्या है 0 है, ये क्या है पॉजिटिव वैल्यूज हैं दोनों, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव। देन हम इसमें क्या करेंगे कि हमें यहाँ से 0 और 1 के बीच में इनको लाना है। देन 1 हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारा 1 है, ये हमारा हो गया 1, ठीक, और ये क्या है हमारा 0 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लिख सकते हैं 4/4, मीन्स 4/4 हम 1 को लिख सकते हैं, ये उसका 3/4 पार्ट है 1 का। एंड हम इसको यदि चाहें तो हम 1 को लिख सकते हैं 4/4, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 1, हमारे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन अब जैसे ही हम 0 की ओर बढ़ते जाएंगे तो जो हमारे जो 4/4 जो है वो क्या घटता जाएगा, पहले 3 फिर 3/4 होगा, फिर 2/4 होगा, फिर 1/2 होगा, 1/4 होगा। मीन्स इसमें क्या है, जैसे आपकी यहाँ पर ये आपको मान सपोज करो ये आपको कोई एक सर्कल है, अब इस सर्कल में क्या है, सर्कल में होते हैं 4 पार्ट, तो 4 पार्ट कैसे होते हैं, ऐसे कुछ आपके 4 पार्ट होते हैं, है तो ये सर्कल ही, जो कितना है सर्कल कितना है एक है, लेकिन इसके अंदर पार्ट कितने हैं 4 है, तो एक पार्ट को क्या लिखते हैं अपन 1/4, मीन्स 4 से 1 हिस्सा उसका, और सेकंड पार्ट को लिखते हैं हम 2/4, और 2/4 को हम क्या लिखते हैं जनरली 1/2, मीन्स आधा, और थर्ड जो उसका पार्ट होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं 3/4, मीन्स 3/4 पार्ट है आपके इस सर्कल का, और 4 को क्या लिखते हैं हम 4/4, 4/4 मीन्स होता है क्या
वन यानी कि यहाँ पर आपको सर्कल है 4x4 पॉइंट पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर 3x4 मीन्स क्या होता है आपका, आपके सर्कल का 3/4 पार्ट। देन यहाँ पर यदि हमारा 4x4 है तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, 3x4 होना चाहिए, यहाँ पर 2x4, देन यहाँ पर 1x4। जो हमें पॉइंट शो करना था, पॉइंट कौन सा था, 3x4 था, तो 3x4 कहाँ है हमारा पॉइंट, ये रहा, ठीक है। तो आपके लंबन लाइन पे आप इसको इस टाइप से आप शो कर सकते हो। उसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/8, आपका -5/8 जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उसमें भी सेम इसी टाइप से करना है, लेकिन उसमें कंडीशन ये अप्लाई हो जाएगी कि -5 सेकेंड वाला आपका जो है फोर्थ पॉइंट मतलब 4 का सेकेंड है वो क्या है -5/8। अब -5/8 में क्या करना है आपको, आपका डिनोमिनेटर जो बड़ा है और न्यूमिनेटर क्या है आपका छोटा है, देन यहाँ पर आपका रहेगा तो ये 0 से 1 के बीच, बट इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन ये होगी कि आपको इसमें -1 की ओर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस का साइन लगा हुआ है। देन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव साइन था इसलिए हमने पॉजिटिव 1 की ओर गए, देन सेकेंड में हम -1 की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है आपका 0 है, ठीक, यहाँ पर आपका +1 है, और आपको ये पता है कि नंबर लाइन के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव साइन होते हैं, ठीक है, जो आपके पॉजिटिव लेटर्स होते हैं डिजिट होती हैं वो लिखी हुई होती है। देन आपके नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका, हमेशा नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं 0 to 1, ठीक, राइट हैंड साइड, और 0 1, लेकिन यहाँ पर क्या होगा -1 होगा, बिकॉज इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन है और नंबर लाइन की लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव वैल्यूज ही होती हैं और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो हमें क्या शो करना है, -5/8। अब -5/8 है तो हम सपोज करते हैं कि हमारे जो सर्कल था उसके 4 पार्ट ना होकर उसमें कितने पार्ट हैं, अब उसमें 8 पार्ट है, ठीक है, अब 8 पार्ट है तो इसका 1/2, ये 2/2, मतलब 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। अब यहाँ 4/8 हो जाएगा, मीन्स ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका हाफ सर्कल। देन 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8 मीन्स आपका कंप्लीट सर्कल। देन यहाँ पर क्या है -5/8 है। अब -5/8 की कंडीशन क्या होती है, यदि मैं चाहूँ तो मैं 1 को लिख सकता हूँ -8/8, और जिस तरह ये 0 की ओर बढ़ते जाएगा उसी तरह वो क्या होगा कम होते जाएगा। देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं -7/8, -6/8, -5/8, -4/8, और इसी तरह -3, -2 और -1/8 भी हम लिख सकते हैं। तो हमें शो का करना था -5/8, -5/8 कहाँ है हमारा, वो यहाँ पर है, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मतलब इसी का फोर्थ का 3rd 1 देखो, तो आपको जो फोर्थ का जो 3rd 1 है अब वो क्या शो कर रहा है हमें, -7/4। अब -7/4 मीन्स क्या हो गया आपका, प्रॉपर विन जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है आपका जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा होता है किससे, आपकी डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर क्या है, वॉट इज हियर, हेयर इज -7/4 विच इज मीन्स योर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन योर डिनोमिनेटर। सो हम इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर का, मतलब आपके न्यूमिनेटर का आपके डिनोमिनेटर से। सो आफ्टर डिवाइडिंग, वाई डिवाइडिंग न्यूमिनेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर, वॉट वी गेट, 4 into 1,
become 4. Then here 7 minus 4 goes to 3. And अब हम क्या करते हैं, आप जब हमने 7 को 4 से डिवाइड दे दिया तो हमारा वन टाइम में तो 4 आ गया, बट हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। तो अब इसे हम कैसे लिखें, हाउ कैन वी राइट दिस। देन हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब हम इस टाइप कोई कुछ फ्रैक्शंस को लिखते हैं देन हम क्या करते हैं, इस टाइप के डिवीजन को लिखने के लिए एंड मतलब क्लॉकवाइज कंडीशन में हम इसको देखते हैं। तो क्लॉकवाइज में हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 राइट 4 अपॉन 3। 1 राइट 4 अपॉन 3 नहीं होगा क्योंकि हमें क्लॉकवाइज चलना है, तो 1 राइट 3 अपॉन 4 हो जाएगा। मींस हमें इस कंडीशन घूमना पड़ता है, ए जो 1 है उसको आगे लिखो, फिर नेक्स्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ को 3 को ऊपर लिखो, देन 4 जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, ये इसको लिखने का सिंपल तरीका होता है। तो हमारा जो 7 अपॉन माइनस 7 अपॉन 4 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 राइट 3 बाय 4, लेकिन कैसा, एक नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव 1 माइनस 1 राइट 3 बाय 4 मीन्स 1 से 3 बाय 4 क्या है, ये ज़्यादा है। तो 1 से 3 बाय 4 यदि ज़्यादा है तो ये कहाँ जाएगा, माइनस 2 और 0 के बीच में जाएगा। तो फिर से हमारी नंबर लाइन खींचो, ये हमारी नंबर लाइन है, इस साइड पॉजिटिव, तो हमें 0 को वहाँ ना लिख कर यहाँ लिख दे रहा, क्योंकि हमें पता जो है कि राइट हैंड साइड तो हमारे क्या रहेगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, हमारी नेगेटिव वैल्यूज रहेगी। अब हमें क्या करना होता है इसमें नॉर्मली, कि यहाँ पर 7 बाय 4 का मतलब क्या है कि ये 1 से तो ज़्यादा है लेकिन क्या, 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में होने के कारण हम इसे कहाँ सपोज करते हैं कि 1 हमारा ये हो गया, यहाँ पर क्या हमारा माइनस 1 है। अब माइनस 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैटर ये करता है कि यदि इसको मैं सपोज करूँ 1 से ज़्यादा है तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ। जब हम माइनस 1 को यदि 4 अपॉन 4 लिख रहे थे, ठीक है, 1 को या माइनस 1 को, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 2 को 8 अपॉन 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 जब कैंसिल होता है 4 से तो हमारे पास क्या बचता है, 2 बचता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 अपॉन 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस 7 अपॉन 4। और हमने जब डिवाइड करके देखा तो हमारे यहाँ 1 आया, इसलिए हमने डिवाइड किया ताकि हमें एक वैल्यू मिल जाए कि हमें किसके बीच में डालना है इनको। तो यहाँ पे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसलिए हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, फिर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर यदि 8 अपॉन 4 यहाँ पर है जो कि माइनस रहेगा, तो क्या यहाँ पर 7 माइनस 7 अपॉन 4 नहीं हो सकता। जैसे ही ये 0 की ओर बढ़ते जाएगा इनके पॉइंट क्या होगा, कम होते जाएगा, ये माइनस 5 अपॉन 5 और ये क्या है आपका माइनस 1 है, मतलब माइनस 4 अपॉन 4। यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस 3 अपॉन 4 और यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस 2 अपॉन 4 देन माइनस 1 अपॉन 4 एंड हियर 0 अपॉन 4 मीन्स 0। तो ये आपका टाइप होता है आपकी नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट करने का और इनको शो करने का कि हम किस टाइप से हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको हमारे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन यदि इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होती है, जब आपका न्यूमिनेटर आपके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो आप क्या करते हो, आप सिंपली उसको डिवाइड करते हो, देन डिवाइड करने के बाद आप उसको क्या करते हो, एक क्लॉकवाइज तरीके से लिखते हो, जो भी आपका न्यूम जितने टाइम में जाता है तो उसको सामने लिख देते हो, और जो आपका बचता है रिमाइंडर होता है उसको न्यूमिनेटर की जगह पे, और जिससे आप डिवाइड दे रहे हो उसको वो आपका डिनोमिनेटर में ही रहेगा। दैट्स इट, देन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।